नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर की नई और फ्रेश वीडियो में। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सर्कुलर नंबर 624 PCDA इलाहाबाद ने जारी किया लेटेस्ट सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर के बारे में। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, PCDA इलाहाबाद की ओर से ये लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है, सर्कुलर नंबर 624। जी हाँ दोस्तों, 6 मई 2019 को यह सर्कुलर जारी किया गया है, लेकिन PCDA इलाहाबाद की ऑफिशियल साइट पे अभी इसको अपलोड किया गया है। जैसा कि सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, फॉलोइंग ऑफ क्वेरीज एंड PPOs टू CPPCs इलाहाबाद बाय रिकॉर्ड ऑफिस। दोस्तों, पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटी के द्वारा जारी किए गए PPO को संबंधित CPPCs को भेजा जाता है। दोस्तों, अभी पंजाब नेशनल बैंक की CPPCs ने PCDA इलाहाबाद के अंतर्गत काम करना शुरू किया है, लेकिन यह पेंशन के नए मामलों को ही देखती हैं और पुराने मामलों को संबंधित CPPCs को भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि रिकॉर्ड ऑफिस कोर्ट केस से जुड़े हुए संशोधित PPO को भी CPPCs PNB इलाहाबाद को भेज रहे हैं, जिस वजह से पेंशनर्स और फैमिली पेंशन के पेंशन का भुगतान नहीं हो पाता है, जिससे पेंशनर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, तो PCDA इलाहाबाद ने कहा है कि जो भी संशोधित PPO को पेंशन की संबंधित PNB ब्रांच में ही भेजा जाए और जो भी फ्रेश डिफेंस पेंशनर और डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स के जो PPO हैं उनको इलाहाबाद CPPCs की ब्रांच में ही भेजा जाए, ताकि हमारे जितने भी पेंशनर्स और रिस्पेक्टेड फैमिली पेंशनर्स हैं उनका पेंशन का भुगतान सही समय पर हो सके। तो दोस्तों, ये थी एक बड़ी अपडेट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।